विश्वास की धुनी पर महाराज जनक ने चलाया तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी की निकली। और माता जानकी है भक्ति। हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा। जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे जय सियाराम। प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनकर, तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो। दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यही रहवा, कहां जावा हूं। राम जी बोले क्यों यहां रहे। सखियां बोली जो यहां खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारे अयोध्या में नहीं। सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से गालियां पकाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हम और पहले आ जाना चाहते। जय सियाराम, जय सियाराम। लेकिन अभी हम कहते कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने। जय सियाराम। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच ले। पक्का है। अच्छा एक बात, धन्य धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा। जहाँ प्रभु बहरे, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ। देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे हैं नाथ। जय सियाराम। जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ। हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो ही नहीं। जय हनुमान, जय बजरंगबली हनुमान जी की। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता। अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपतिनाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ। जय बजरंगबली हनुमान। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जिनको भी होटल हो, भगवान जाने होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाया। तो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। यहाँ के हमारे जो मेम्बर उनसे कहना है कि लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए, आई एम बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि उन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहां हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें कहा कोई बात तो हम, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है। और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। जय श्री राम। संत आ गए तो संत देखो, हम जाएं संतों के पास ये हमारा भाग्य है, ये संत चलकर हमारे पास आए ये हमारा सौभाग्य। जय श्री राम। धन्य नेपाल। नेपाल के लिए हम आगे की बात बोलना चाहेंगे, पर हम जाएंगे आप लोगों के सामने कली लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। तो सनातन की जय, सनातन जय, हिंदू राष्ट्र नेपाल जय श्री राम। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर है। जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। हमारी
सकते हैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन मैं पाप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाऊंगा। जय श्री राम। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है, तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी हुई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आके देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं। लेकिन हम बात एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। जय हनुमान, जय श्री राम। अच्छा, आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा पे चक्कर में।